स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मौसम की। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 11 जिलों के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, नौतपा के कहर के बीच आंधी तूफान, कई जिलों में आंधी तूफान का कहर भी देखा जा सकता है। कई आंधी से कई जगह टीन के चद्दर भी उड़ चुके हैं। तेज आंधी में कई जगह पर पेड़ भी गिरे हैं। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है छत्तीसगढ़ में, और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसी बीच बता दें आपको कि आंधी तूफान की तस्वीरें कई सारी देखी गई। कहीं पर टीन शेड गिर गए, पेड़ गिर गए, और ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। नौतपा की भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला है। बिलासपुर में तेज आंधी के साथ ही बारिश हुई, तो वहीं कोंडागांव में भी आंधी बारिश आई, जिसमें कई जगहों पर पेड़ धराशायी हो गए। यहां डीएनके कॉलोनी में कार पर पेड़ गिर गया, बिजली के तार टूट गए। आंधी बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। ये दो तस्वीरें आपके सामने बिलासपुर और कोंडागांव की, जहां पर तेज बारिश, आंधी हवा यहां पर देखने को मिली। कई जगह पेड़ भी गिर गए और कार पर भी एक जगह पर पेड़ गिरा। साथ ही साथ गर्मी से राहत तो मिली, पर उमस भी लोगों को महसूस होने लगी है। अब आपको कोंडागांव में मौसम के विकराल रूप की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां आंधी तूफान में टीन शेड उड़ गया। ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कितनी तेज आंधी चल रही है और टीन शेड कितनी तेजी से हिल रहा है। तभी हवा के तेज झोंका आता है और पूरा का पूरा टीन शेड उड़ा ले जाता है। टीन शेड तिनके की तरह उड़कर दूर जा गिरता है। सब कुछ पास लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाता है। ये तस्वीरें आंधी तूफान की, ये तस्वीरें कोंडागांव की आप देख रहे हैं, जहां पर मौसम का विकराल रूप देखा गया। तेज आंधी आई, बारिश आई, हवा तेज चली और इसी बीच टीन शेड उड़ा और उड़ करके दूसरी तरफ जा गिरा। तस्वीरों को देखकर के समझा जा सकता है, जैसा कि दृश्य ये है, विजिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है, बिजली चमक रही है, आंधी चल रही है, हवा चल रही है, तूफान सा नजर आ रहा है, और इसी बीच टीन शेड यहां से उड़ा और दूसरी तरफ जा गिरा। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, राहत की बात यह रही है, पर जिस तरह से मौसम लगातार बदल रहा है और अगर ऐसा ही आंधी तूफान और देखा गया तो कई जगह पर हमें नुकसान की तस्वीरें भी देखने को मिल सकती हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश शुक्ला हैं रायपुर से जुड़ गए हैं, तो वहीं विवेक श्रीवास्तव हैं, वो भी जुड़ गए हैं हमारे साथ कोंडागांव से, बिलासपुर से उमेश मौर्य है। कोंडागांव का ही पहले जिक्र कर लेते हैं, हमने अभी तस्वीरें देखी किस तरह से टीन शेड यहां पर उड़ गया, विकराल रूप मौसम ने ले लिया है। विवेक, क्या स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए, जो तबाही थी, कहना तबाही कहा जा सकता है कि जो विजिबिलिटी थी कुछ दिख नहीं रही थी, और खाली पानी के जो फव्वारे थे, मतलब इस तरह से चल रहा था कि लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था। हालात ये हैं अभी कि पूरे शहर में अंधेरा छाया हुआ, खासकर ग्रामीण इलाकों में, तो और इससे भी बदतर स्थिति है, क्यों, चूँकि पूरी जगह पर लाइट गोल हो गई है और नेटवर्क की व्यवस्था भी लगभग ठप सी हो गई है, जिसके चलते स्थिति काफ़ी ख़राब है। और मैं कोशिश करता हूँ ये दिखाने के लिए कि जो तबाही का मंजर है वो किस तरीके से एक पास्ट कॉलोनी में ये पेड़ गिरा हुआ है और वहां पर दबी हुई है, बिजली के तार टूटे हुए दिख रहे हैं, तो ये तो एक छोटा सा नजारा है। ऐसे ही नजारे पूरे ग्रामीण इलाकों में भी हैं और शहर के कई और क्षेत्रों में इस तरीके के नजारे हैं, और कई जगह तो टीन के शेड इस तरीके से जैसे पान के पत्ते बिखरते हैं पेड़ से टूटकर, उस तरीके से बिखरते उड़ते हुए नजर आए हैं। तो ये अभी हाल फिलहाल में ये है कि पूरे शहर में और शहर ही नहीं, आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप नजर आ रही है। जी ठीक, आकाश राजधानी के कैसे हालात बने हुए हैं? राजधानी में भी क्या मौसम ऐसा ही अपना विकराल रूप दिखा रहा है? तेज बारिश, आंधी हवा यहां पर भी है।
जी, कई जिलों में जो येलो अलर्ट जारी किया गया है पिछले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है, लेकिन रायपुर की बात करें तो रायपुर में दिन भर मौसम तपता रहा। यहाँ 43 डिग्री तक जा पहुँचा तापमान। लू से बचने के लिए लोग तरह तरह के प्रयास करते नज़र आए। वहीं देखे कि डॉक्टरों के पास OPD में भी मरीज पहुँचते नज़र आए। कहा ये चिकित्सकों ने कहा है कि लोगों को इससे बचना चाहिए। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि कुछ घंटे में यहाँ बारिश हो सकती है। फिलहाल अभी उमस देखने को मिला है। जी, लू के थपेड़े यहाँ पर पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद हमें भी राहत मिल जाए, हमारे जिले में भी बारिश हो जाए और कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी से राहत मिले। रुक करूंगी आपका, उमेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, बिलासपुर के क्या हालात हैं, कितना डिग्री टेम्परेचर है, क्या वहां पर भी आंधी तूफान जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं क्या? ऋतु जी, देखिए दोपहर भर गर्मी और सूर्य देव की जो कृपा है वो लोगों पर बरपती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही शाम होते ही साथ तेज बारिश और आंधी का जो कहर है वो भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं तापमान का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। कभी दिन भर गर्मी से लोग जो है वो परेशान हलाकान होते हुए नज़र आते हैं, उसके देर शाम होते ही जो है वो कुछ राहत मिलने के आसार भी दिखते हैं। लेकिन जब शाम होती है और राहत मिलती है तो वहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ भी निर्मित होती हैं कि कई जगह ब्लैकआउट की स्थिति हो जाती है। आंधी तूफान की वजह से कई घरों के छज्जे या जो टीन है वो उड़ के लोगों के परेशान करते हुए नज़र आते हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो नौतप्पा लगा है उसके बाद से लगातार जो देख रहे हैं मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, और यही वजह है कि लोग गर्मी से तो राहत पा रहे हैं लेकिन जो देर शाम होते ही जिस तरीके से आंधी तूफान होती है उसकी वजह से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लाइट गुल होने की समस्या सामने आ रही है और तेज हवाओं के चलने की वजह से जो छानी और टीन वाले जो घर हैं उनके टीन उड़ने की जो समस्या है वो निकल कर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं समस्या विकराल रूप लेते जा रही है। गर्मी से राहत तो मिलती हुई नजर आ रही है पर और भी कई सारी परेशानियां आम लोगों के लिए और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी को साझा करने के लिए। अब बात करते हैं बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट की, जिसमें 9 मजदूर अब भी लापता हैं। अब आर्मी ने यहां मोर्चा संभाल लिया है। लापता मजदूरों का पता लगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्मी के एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, मलबे को हटाने का काम चल रहा है। मलबे में कुछ लोगों को दबे होने की भी आशंका है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बताते हैं आपको, ये बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद लगातार कहा जा रहा था कि कई सारे लोग दबे हुए हैं। ग्रामीण लगातार कह रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। हालांकि प्रयास किए गए पर अब तक ये कहा जा रहा है कि कुछ और भी लोग हैं जो दबे हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं, आकाश से भी जानकारी लेंगे। आकाश, ये बड़ा हादसा हुआ, विस्फोट हुआ, उसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कहा जा रहा है और कितने लोग दबे हुए हैं, कितना और समय लग सकता है? जी बिल्कुल, 36 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद उसे अब बंद कर दिया गया है। कुछ समय पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया। उसके साथ ही कलेक्टर ने बयान जारी कर ये कहा है कि जो लापता 8-9 लोग थे उनकी मृत्यु हो गई है। शासन ने उन्हें मृत माना है। उनके जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं उनके फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही आश्वासन मिला है ग्रामीणों की, जितने के लोगों की मौत हुई है सभी को शासन द्वारा 5-5 लाख रुपये दिया जाएगा। अभी तक किसी तरीके से FIR किसी पर दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन हाँ उच्च स्तरीय जांच की बात कलेक्टर ने कही है। उच्च स्तरीय जांच में जो भी सामने आएगा उसके बाद जो है कठोर कार्रवाई होगी। वहीं ग्रामीण अभी भी आक्रोशित हैं और कंपनी के सामने धरना दिए हुए बैठे हैं। हालांकि प्रशासन ने उन्हें मनाने की कोशिश की, उन्हें सांत्वना दिया, लेकिन अभी तक के वो मान नहीं रहे, क्योंकि उनकी परिजन के जो डेथ हुए हैं उनकी बॉडी उन्हें नहीं मिली। इधर जो बारूद के ढेर से जो मलबे से निकाल की कोशिश 36 घंटे तक चलते रही, लेकिन किसी तरीके से कोई चीज नहीं मिला है। कुछ बॉडी पार्ट्स जो मिले थे उसके आधार पर ही प्रशासन ने 9 लोगों को जो है वो मृत घोषित किया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए।
रायपुर पुलिस ने झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन साहू गैंग के 4 शूटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनको रायपुर और राजस्थान से पकड़ा। इन आरोपियों पर सलमान खान के घर पर फायरिंग से भी जुड़े तार बताए जा रहे हैं। गैंग को मयंक सिंह मलेशिया में बैठकर ऑपरेट कर रहा है। अमन साहू गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साहू के कहने पर टारगेट को अंजाम देता था। अंतर्राष्ट्रीय गैंग है, उनके 4 सदस्यों को फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे बेस्ट ऑपरेशन पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था, जिसमें रोहित स्वर्णकार झारखंड का निवासी, मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह एवं पप्पू सिंह तीनों राजस्थान के निवासी, इनको पकड़ा गया। ये लोग छत्तीसगढ़ के कुछ औद्योगिक घरानों के ऊपर और उनके मालिकों के ऊपर हमला करने वाले थे। अब बात करते हैं 23 और 25 मई को हुए मुठभेड़ की, जिसमें मारे गए 8 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। मारे गए नक्सलियों में 5 पर 5-5 लाख का इनाम था, जबकि 3 नक्सलियों पर 2-2 लाख का इनाम था। जो 8 नक्सली मारे गए हैं उन पर कुल 31 लाख का इनाम था। और इसी बीच तस्वीर आपको बनारस की दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। डबल इंजन की सरकार है, योगी और मोदी की सरकार है। अरे हमारे देवता नहीं मुस्कुराएंगे तो किसके मुस्कुराएंगे? अब कई लोगों को पेट में दर्द होता है, वो कहते हैं आप भगवान राम और कृष्ण की बात क्यों करते हो, आप धर्म की बात क्यों करते हो। अरे भैया हम धर्म की बात नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण ने तो धर्म मार्ग पे चलना सिखाया, जीवन भर धर्म मार्ग पे चले। अब अगर धर्म ही नहीं करेंगे तो क्या अधर्म भी करेंगे? आप बताओ किसकी करना चाहिए, धर्म की बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जनता की विरोध करना चाहिए। सरकार बनेगी, दलबार बनेगी, और जो अधर्म के मार्ग पे जाएगा अपने आप हादसे पे पहुंच जाएगा। हमको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, समय करवट बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है। अब जो भगवान राम का नहीं, जो भगवान कृष्ण का नहीं, वो किसी काम का नहीं है, आने वाला समय बता रहा है उनकी सबकी हालत खराब होने वाली है। अब तो 6 चरण का चुनाव हो चुका है, आने वाले समय में मैं तो आपके बीच में बताना चाहता हूँ, मोदी जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमको मालूम है लंका जाने के लिए राम सेतु भगवान राम ने बनवाया, काल के प्रवाह में बहुत लंबी बात हो गई, लेकिन आज भी इसलिए ज्यादा आपको धन्यवाद देने की जरूरत है। अभी अभी माननीय मोदी जी के माध्यम से आप द्वारका नहीं गए हो तो जाके देखना, द्वारका जाने तक पहले पानी के जहाज से जाना पड़ता था। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी का, उनने पुल बनवा दिया, आप अपने वाहन से वहां तक पहुंचे, ये सौभाग्य हमारा। और मोदी जी ने तो और बड़ा काम किया, हमने से आपने से कितना उनके प्रति आदर बनेगा। मोदी जी ने भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा सम्मान आपको याद दिलाऊंगा, भगवान कृष्ण ने चाहे वृंदावन और गोकुल छोड़ा, मथुरा आए, द्वारका गए, इंद्रप्रस्थ आए, दुनिया में कहीं भी गए, चाहे वेशभूषा कैसी पहन ली, सोने चांदी के मुकुट लग जाते लोगों को, लोग अपना गांव भूल जाते, लेकिन भगवान कृष्ण ने जीवन भर मोर पंख धारण करके गांव का सम्मान बढ़ाया है। हमारे भगवान कृष्ण से हम सीखते हैं कि आप किसी भी मूर्ति पे आप कपड़ा डाल दो। लगातार जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच रहे हैं। आज वाराणसी की तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई, जहां पर जनसभा करते हुए नजर आए, और साथ ही साथ इतने समय में क्या क्या उपलब्धियां सरकार की रही वो भी गिनाते आए, और साथ ही साथ पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ जवान ने शौर्य दिखाया है, कांग्रेस उस पर सवाल ना उठाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस खुद बता दे कि नक्सल उन्मूलन के लिए क्या करना है, लेकिन बेवजह सवाल उठाकर जवानों को हताश ना करें। ये और नक्सल उन्मूलन के लिए हाथ जोड़ करके उनसे आग्रह करता हूं, मैं हाथ जोड़ करके दीपक भाई जी से आग्रह करता हूं, आप आए आगे, आप बताएं क्या करें। और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि पहले तथ्यों की परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। सन 2022 में 302 का मामला दर्ज है, भाजपा की सरकार नहीं थी भैया, कांग्रेस की सरकार थी, उनकी अपनी सरकार थी, वही सांसद थे वहां। सन 2022 में, अभी 24 चल रहा है, 2023 में 307 का प्रकरण उनके खिलाफ पंजीबद्ध है। छोटू उर्सा
मैंने उड़सा छोटू जो इसमें लिखा हुआ है 2022 में 307 लगा है उनके उसके ऊपर UAPA लगा है उसके ऊपर। खबर जगदलपुर से है जहां प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जीरम हमले को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुखद है कि अब तक सच बाहर नहीं आया, देश और प्रदेश की जनता जीरम हमले की सच्चाई जानना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ही जांच में अड़ंगा लगा रहे थे, अब तो बीजेपी सरकार को सच्चाई सामने लानी चाहिए। बीजेपी सरकार आखिर क्यों डर रही है? प्रशांत मिश्रा न्याय जो न्यायिक जांच आयोग उसमें षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था जांच में, उसको हमारी सरकार ने जांच में कुछ बिंदुओं को जोड़कर उस जांच को आगे बढ़ाने का, उसी जांच को मिश्रा आयोग को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी हाईकोर्ट चले जाते हैं उसको स्टे। कोरबा में तेंदुए